इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/tatvat पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्चन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो, गर्दन सीधी कमर सीधी। आज हम आज्ञा विषय धर्म ध्यान करने के लिए अपना मन तैयार करते हैं। जिस आज्ञा विषय धर्म ध्यान से ही अन्य धर्म ध्यान संभव है। अपने आप को व्यवस्थित करें, सीधे बैठें, गर्दन सीधी कमर सीधी, आंखें आराम से बंद करें। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। मन में जैसा बताया जा रहा है उसी के अनुसार विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही करने का नाम धर्म ध्यान। शांति से बैठेंगे। पूरे लोक के अंदर बस पूरे लोक में अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, सर्वज्ञता के अलावा जो किसी के ज्ञान में नहीं आ सकते,
ऐसे अनेक सूक्ष्म द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक संपूर्ण लोक को जो अपने केवल ज्ञान में भी एक छोटे से द्वीप की तरह देखते हैं, जिनका ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में हमें यह पूरा लोक भी बहुत छोटा सा दिखाई देता है, पूरा तीन जगतमय यह संसार सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से ही जानने में आता है। अधोलोक में अनेक नारकियों का आवास है, मध्यलोक में मनुष्य त्रियंश और कुछ देव भी रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में देवों का ही आवास है और सबसे ऊपर सिद्ध लोक है जहाँ पर मुक्त आत्माएं वास करती हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जब हम देखते हैं तो परिणमन परिवर्तन उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से कर रहा है, यह मैं सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से जान रहा हूँ, श्रद्धान कर रहा हूँ। पूर्ण रूप से इसी तरह से देख रहा हूँ। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, निरंतर प्रति समय पुरानी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, द्रव्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे सूक्ष्म विज्ञान को बताने वाले सर्वज्ञ देव की आज्ञा का विचार करते हुए इस आज्ञा को मैं प्रामाणिक मानते हुए अपनी श्रद्धा से इस आज्ञा को स्वीकार कर रहा हूँ। संसार के सभी जीवों में अनेक तरह के परिणाम हैं, भाव हैं, विचार हैं, अनेक तरह के कर्म बंध हैं, वो सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उनकी बंधने की प्रक्रिया, उनके झड़ने की प्रक्रिया, उनकी शक्ति में कमती बढ़ती होने की प्रक्रिया सब देखने में आई है। अत्यंत उपकारी उन अरिहंत सर्वज्ञ देव ने हमें कर्म विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, मैं उसे आस्था से श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की बात जो मैं अपने कान से सुन रहा हूँ, इस श्रुत ज्ञान को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। श्रुत ज्ञान सर्वज्ञ देव के ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उससे पूरे जगत को जान रहा हूँ।
उसी तरह से मान रहा हूं। संसार के सभी प्राणियों में कर्मों को बंधता हुआ, कर्मों के अनेक तरह के अपकर्षण उत्कर्षण आदि को मैं देखता हुआ, भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार जीवों का परिणमन देख रहा हूँ। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है, सभी पौद्गलिक पदार्थों का भोग उपभोग पहले किया जा चुका है। इस संसार में जो भी जीव पहले हुए हैं उन सब के बारे में भी ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ भगवान ने हमें भूत भविष्यत और वर्तमान का तीनों कालों का ज्ञान दिया है। मैं सर्वज्ञ देव की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों का विवेचन, अतीत काल का विवेचन, सभी कुछ सर्वज्ञ के अलावा नहीं जान सकता, सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं देख सकता। मैं आनंदित हूँ, मुझे आज सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का चिंतन करने का यह समय मिला। ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति ही, परम शांति ही, परम शांति ही। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमस्ते मुनिशी। मुंशी रेखा जी प्रकाशी जैन कुसुम्बा धुले महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती आदि की सेना को अक्षोहिणी कहते हैं, तो यहाँ अक्षोहिणी का क्या अर्थ है? ये एक प्रमाण है अक्षोहिणी सेना का, जो आपको शास्त्रों में लिखा हुआ मिल जाएगा। जो सात प्रकार की सेना होती है, उन सात प्रकार की सेनाओं में कौन कितनी संख्या में कितने हज़ार रथ होते हैं, कितने हज़ार घोड़े होते हैं, कितने हज़ार हाथी होते हैं, ये सब जो संख्या बनती है उस सबको मिला करके एक अक्षोणी सेना कहलाती है। उसको आप शास्त्रों से समझ सकते हैं या प्रसंगवश जब कहीं कहीं बताया हो तो उसको सुन सकते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी, अपेक्षा विनोद जी वैद्य कारंजा लाड वाशिम से पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, भावना 16 हैं लेकिन इनका व्रत 32 दिन क्यों किया जाता है? अब ये सब चीज़ें तो कुछ शास्त्रों में कहीं लिखी भी हो सकती हैं या परंपरागत भी चलती हुई आई हो सकती हैं। चूँकि उत्कृष्टता से व्रत करना होता है लोगों को, तो एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास करना होता है। ऐसी जो है एक कड़ी जब चलती है तो उसके माध्यम से 32 दिनों में
यह पूर्ण होता है। 16 कारण व्रत प्रारंभ होने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और वह समय इस तरह से एक एक दिन छोड़ करके उपवास आदि के साथ बढ़ते हुए उत्कृष्टता से यह प्राप्त हो जाता है तो यह 32 दिनों तक चल जाता है। यह शास्त्रोक्त विधि विधान के द्वारा बनाई गई विधि होगी और इसको आप जो विशेष व्रत विधान संग्रह आदि जो किताबें निकलती हैं उनके माध्यम से इनकी विशेष विधियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो है उसको उसी रूप में स्वीकारना ही होता है। हर चीज़ में क्यों करने से तो कोई उत्तर हमेशा नहीं मिलता, क्योंकि जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को अनुसरण करना ही श्रावक का और मुनि का परम धर्म होता है। नमोस्तु मुंशी। मुंशी सुकुमार जी जैन औरंगाबाद से पूछ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र व्रत कैसे कर सकते हैं? व्रत करने के तरीके तो जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के आधार पर कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्षमता कैसी है। ज़्यादातर लोग तो तत्वार्थ सूत्र के व्रत 10 अध्याय हैं तो 10 व्रत कर लेते हैं। अगर ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय के 10 व्रत कर लो। एक एक व्रत जिस दिन करो उस दिन एक एक अध्याय के जो सूत्र हैं उनके जो अर्घ बने हुए हैं उसको आप पढ़ करके और उन मंत्रों के साथ उन अर्घों को चढ़ा करके अंत में जयमाला पढ़ करके आप उस व्रत को कर सकते हो। एक ये भी तरीका है, सिंपल सा। और अगर थोड़ा सा और बड़ा करना हो, कुछ लंबा करना हो, तो जितने सूत्र हैं उतने भी व्रत किए जा सकते हैं। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत तो हम करते ही रहते हैं, जब लोग 1234 कर सकते हैं तो ये भी व्रत किए जा सकते हैं। और इस तरह का व्रत करो तो उसके हिसाब से भी आप अपने उन व्रतों की गिनती रख सकते हो। जब तक पहले अध्याय के सूत्रों का व्रत चल रहा है, हो सकता है आप केवल पहले अध्याय की पूजा निरंतर करते रहो, एक एक सूत्र की व्याख्या पढ़ो, एक एक सूत्र का जो उसमें मंत्र लिखा हुआ है उसी की आप जो है अर्घम की जगह नमो नमः करके या उसी सूत्र को भी आप 108 बार पढ़ लें तो अति उत्तम होगा। तो ये व्रत इत्यादि जो होते हैं वो हमारे अंदर एक संस्कार डालने के लिए होते हैं। अगर ऐसा कोई शुरुआत करे तो एक नई शुरुआत कहलाएगी, एक नया अच्छा आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। इस तरह की शुरुआत भी किसी किसी को करना चाहिए कि तत्वार सूत्र के जितने भी सूत्र हैं उन सब सूत्रों का वो व्रत करें और जिस दिन व्रत करें उस दिन वो तत्वार सूत्र की पूजा जो लिखी हुई है वो पूजा करें और उस सूत्र का है ना। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा सूत्र हो उसको आप 108 बार ना पढ़ पाओ, 36 बार पढ़ लेना, 27 बार पढ़ लेना, जैसे गति जाति शरीर वो वाला जो सूत्र आता है या दर्शन विशुद्धि वाला जो सूत्र आता है, ऐसे 2-4 सूत्र बहुत लंबे लंबे हैं, बाकी तो सब ठीक है। तो ऐसे इन सूत्रों की आप जाप करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा संस्कार पड़ेगा, आपकी जिनवाणी के प्रति भक्ति तीव्र बनेगी, अच्छा आपके लिए ज्ञान संस्कार बढ़ेगा, तो आपको हमेशा इस तरह के जिनवाणी के अनुराग से बोधि की समाधि की अवश्य प्राप्ति होगी। ये भी करके देखा जा सकता है जी। इन्हीं का एक और प्रश्न है सुकुमार जी का ही, किसी व्रत को लेना है तो क्या मंदिर जी में हम अपने मन से ले सकते हैं? हाँ हाँ, लिया जा सकता है। अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए और मन ये होना चाहिए कि हमने जो व्रत लिया है तो उसमें हमने क्या क्या छूट ले रखी है और किस कंडीशन के साथ में हमने व्रत लिया है, वो अपने मन में स्पष्ट करते हुए आप वह व्रत ले सकते हैं। अगर कोई मुनि महाराज उपलब्ध नहीं है या कोई त्यागी व्रती उपलब्ध नहीं है तो दूसरों के साक्षी में लेने से एक ये हो जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं तो हमने किसी को बता भी दिया है, तो हमारा एक तरह से एक संकल्प और अच्छा माना जाता है। अगर वो सुविधा नहीं है तो आप अपने घर पे या मंदिर में भी इस तरह से कर सकते हो, कोई बाधा की बात नहीं है। एक पुनः एक और प्रश्न है इनका, समोशरण पूजा और समूची चौबीसी पूजा में क्या अंतर है? अब पूजाओं में जो अंतर होते हैं वो अंतर जिस तरह का टाइटल होता है उसी के अनुसार उसमें अंतर पड़ जाते हैं। चौबीसी पूजा में आपको केवल 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा करनी होगी, समोसरण पूजा में पूरे समोसरण के वैभव का वर्णन किया जाता है। यूं ही केवल
24 भगवान की पूजा से समोसरण की पूजा हो जाती हो पूरी, ऐसा नहीं होता। उसमें समोसरण का वैभव दिखना चाहिए, वो पूजा उसी तरह की होगी तो ही वो समोसरण की पूजा मानी जाती है, तभी वो अंतर आएगा। तो समोसरण की पूजा में पूरी जो भूमियाँ हैं, पूरी जो उसमें बीचों बीच में तीन तीन कोट आते हैं समोसरण में, गंधकुटी आदि के जो वर्णन रहते हैं, ये जो समोसरण के जो वर्णन हैं वो वर्णनों के साथ में जो पूजा होनी चाहिए वो समोसरण की पूजा कहलाती है। ऐसी पूजा करेंगे आप तो वो समोसरण की होगी, अन्यथा वो 24 तीर्थंकर की पूजा होकर रह जाएगी। अब ऐसी पूजाएं उपलब्ध हैं कि नहीं ये आप खोज करो। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी अर्पिता जी जैन ठांडला से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपनी पुरानी पर्याय और संबंधों का स्मरण रखती है? स्मरण तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज्यादातर तो क्या होता है, हमारी इंद्रिय और मन का व्यापार छूटा, आत्मा के लिए स्मरण शक्ति तो बनी रह सकती है, उसका क्षयोपशम ज्ञान स्मृति ज्ञान के रूप में चलता जाता है। इसी स्मरण के कारण से किसी किसी आत्मा को अगले जन्म में जाति स्मरण हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जाति स्मरण, माने पूर्व जन्म का स्मरण, पूर्व जन्म की बातें याद आ जाना। ऐसी घटनाएं भी बहुत सी होती हैं और ये वैज्ञानिक सिद्ध घटनाएं हैं। तो जिनकी स्मृति में कोई चीज गहरी पहुंच गई, कोई आघात लगा, कुछ गहरा उनके लिए वह स्मृति धारणा के रूप में उनके उस क्षयोपशम ज्ञान के कारण से उसमें रह गई, तो उन्हें अगले जन्म में भी वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इस तरह से ये जो स्मृति है वो अगले जन्म में याद रह भी जाती है और किसी किसी के लिए नहीं भी रहती है। ये दोनों ही बातें हैं, ये डिपेंड करता है हमारा धारणा जो मति ज्ञान नाम का जो क्षयोपशम है वो कितना स्ट्रांग है। नमोस्तु मुनिषी। इन्हीं का अर्पिता जी का ही ठांडला से दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु गुरुदेव, जैन आगम कुविद्या जैसे काला जादू आदि के बारे में क्या कहता है? कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सामान्य गृहस्थ इसे कैसे देखे? एक सामान्य गृहस्थ भी इसको जादू को जादू की तरह ही देखे, क्योंकि यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा है। तो जादू तो होते हैं, इंद्रजालियों के वर्णन ये तो सब शास्त्रों में भी बताए जाते हैं। अनेक तरह के लोग तरह तरह की सिद्धियां कर लेते हैं। अब जैसे गुटका सिद्धि होती है, अंजन गुटका सिद्ध कर लिया था अंजन चोर ने, तो वह भी एक बहुत बड़ा जादू बन गया। अब इससे बड़ा जादू क्या होगा कि आपकी आंखों के सामने वह अदृश्य हो जाए, अपने आप को वो अदृश्य कर ले। और कैसे कर ले? उसने एक गुटका काजल सिद्ध कर लिया, उस काजल को अपनी आंखों में लगा ले तो वो अदृश्य हो जाएगा, आप उसे देख नहीं पाओगे। अब ये इससे बड़ा जादू क्या होगा? तो ये सिद्धियां हैं, ये जादूगर जादूगर की तरह ही काम करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। और जब वह काजल हट गया धुआं आदि आदि के माध्यम से, तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा छुपाने से, वो दिख जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को उसी रूप में स्वीकार करना, यथार्थ का ज्ञान जैसा होता है वह पदार्थ जैसा हो उसको उसी रूप में मानना ही यथार्थ ज्ञान कहलाता है। तो जो कोई भी जादूगरी के ज्ञान हैं, ज्ञान तो होते हैं, ये कलाएं हैं, किसी भी चीज़ को अंतर्धान कर देना, छिपा लेना, आप समझ नहीं पाए और इस तरह से आपके सामने प्रस्तुति कर देना, कलाएं तो हैं। इन कलाओं को कलाओं के रूप में स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसको जो है आध्यात्मिक विद्या के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये कलाएँ क्षुद्र विद्याएँ कहलाती हैं, जिनके माध्यम से लोग दूसरों का मनोरंजन किया करते हैं, बस इसका इतना ही उपयोग है, इतना ही समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी प्रतिभा जी राजेंद्र जैन धुले से पूछ रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि विजयार्थ पर्वत और जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र और ऐरावत मिलाकर दो ही हैं, पूरे मध्यलोक में 10 हैं, तो विजयार्थ संबंधी 170 अकृत्रिम चैत्यालय कैसे बनते हैं? 170 कर्म भूमियां हैं और हर कर्म भूमि में एक विजयार्थ पर्वत है। आप केवल भरत और ऐरावत समझ पा रहे हैं, भरत और ऐरावत तो दो कर्म भूमियां, ये एक जम्बूद्वीप में हो गई है ना, लेकिन इसके अलावा 32 विदेह क्षेत्र की भूमियां भी इसी जम्बूद्वीप में हैं।
और हर एक भूमि में, हर एक क्षेत्र में एक एक विजयार्थ पर्वत होता है। तो 32 विजयार्थ पर्वत हो गए, एक जम्बू द्वीप संबंधी, या यूं कहें कि एक सुमेरु पर्वत संबंधी। तो एक सुमेरु पर्वत यहाँ पर है, तो उसके चारों ओर जो इधर उधर या चारों दिशाओं में सब मिला करके एक सुमेरु पर्वत संबंधी 34, 32 तो विदेह क्षेत्र के, एक भरत का, एक ऐरावत का, तो ऐसे 34 विजयार्थ पर्वत एक सुमेरु पर्वत संबंधी हो गए। ऐसी 5 सुमेरु पर्वत हैं, 2 धात की खंड में हैं और 2 पुष्करार्ध में हैं। तो उन सबके भी इतने ही क्षेत्रों को मिला करके ये सारे के सारे 34 पंजा कितना होगा, 170 ही होगा ना, बस 170 ये विजयार्थ पर्वत हो जाएंगे, ऐसे आपको समझना होगा। नमस्ते मुंशी। मुंशी सीमा जी जैन वापी गुजरात से पूछ रही हैं, लोक की रचना के अनुसार मध्यलोक ऊर्ध्वलोक में शामिल है। मेरी शंका है कि मध्यलोक से नीचे कलकला पृथ्वी तक 7 राजू है, फिर मध्यलोक ऊर्ध्वलोक में कैसे शामिल होगा? मध्यलोक ऊर्ध्वलोक में शामिल है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोक के 2 भाग करें, एक अधोलोक और एक ऊर्ध्वलोक, तो अधोलोक जो है वह जो आपने कहा कि मध्यलोक से नीचे अधोलोक है, ऐसा नहीं है। मध्यलोक के नीचे भी सुमेरु पर्वत की जड़ तक ये सारा मध्यलोक कहलाता है, उसके नीचे से फिर अधोलोक शुरू होता है। तो अगर हम केवल लोक के 2 भाग देखें, 7-7 राजू के अगर हम 2 पोर्शन करें, 14 राजू पूरी हाइट है, तो 7 राजू जो गिना जाता है कलकला पृथ्वी तक, वो उसकी जड़ से गिना जाएगा, और उसके ऊपर का 7 राजू है वो अलग गिना जाएगा। तो अब नीचे भी 7 राजू हो गया, ऊपर भी 7 राजू हो गया, तो अब हम मध्यलोक को कहाँ ले जाएं? तो वो मध्यलोक जो है ऊपर वाले जो 7 राजू का जो पोर्शन आएगा, उसमें जो वह 1,00,000 योजन का पोर्शन बचेगा, उसमें मध्यलोक शामिल होगा। इस दृष्टि से मध्यलोक को ऊर्ध्वलोक में शामिल किया जाता है, इस विवक्षा को समझें। पीयूष जैन मलमो, मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सोच और भाव में क्या अंतर है? सोच तो हमारी अपनी आसपास की परिस्थितियों और प्रवेश के कारण से उत्पन्न होती है, और भाव हमारे मन में अपनी कसाय रागादि परिणतियों के कारण से उत्पन्न होते हैं। सोच हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है और भाव हमारे कर्म के उदय पर निर्भर करते हैं। ये सोच और भाव में अंतर होता है। ललिता जैन अजमेर, कक्षा 16 में हृदय का मतलब सरोवर बताया गया और कक्षा 19 में दृह शब्द सरोवर के लिए कहा गया, क्या दोनों सही हैं? दोनों एक ही हैं, एक ही अर्थ में जानना चाहिए। रूबी जैन देहरादून, गुरुवर को मेरा नमोस्तु, गुरुदेव मेरा प्रश्न अध्याय 2 कक्षा 40 से है। मेरी शंका यह है कि विग्रह गति में जब आत्मा के साथ कर्म वर्गणाएं चल रही होती हैं, तब क्या भावों में बदलाव होना तथा फलस्वरूप कर्मों का घटना संभव है? यदि नहीं तो फिर विग्रह गति में कर्म जुड़ते कैसे रहते हैं? विग्रह गति में कर्म जुड़ते कैसे रहते हैं, इस विषय में कई बार कहा जा चुका है। जो उस समय पर कसाय योग आदि होते हैं, उन्हीं के अनुसार वह विग्रह गति में कर्म जुड़ते रहते हैं। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और उसी के माध्यम से कर्म जो उसी आत्मा के प्रदेशों पर स्थित रहते हैं, वही बंद को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय पर कर्मों की बंध भी होते हैं और उन कर्मों के बंधों के उपरांत किसी भी तरह का कोई भी अपकर्षण आदि भी भावों के निमित्त से हो सकता है। भाव कैसे होते हैं? तो उस समय पर भी जो कसाय के उदय चल रहे हैं, वो बड़े मंदता के साथ में रहते हैं, और चूंकि वहाँ पर नया भाव उत्पन्न करने के लिए कोई शरीर मन आदि नहीं होता है, तो भी वहाँ पर कर्म के उदय के कारण से भाव बने रहते हैं और उन भावों के कारण से बंद भी होते रहते हैं, ऐसा समझना।
वंदना जैन सतना, नमोस्तु भगवान। भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह पर्याय में हिमवन पर्वत के ऊपर था। हमारी जिज्ञासा है कि वह स्थान भोग भूमि का मानेंगे या कर्म भूमि का, जहाँ सिंहराज थे? नहीं, भोग भूमि तो पर्वत के ऊपर नहीं है, भोग भूमि तो उन पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पर भोग भूमि है। पर्वत तो अपने आप में जिस तरह से जंगल वन पर्वतों का स्थान बना रहता है, और पर्वतों पर भी बड़े बड़े जंगल हुआ करते हैं, पर्वतों का जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप के अनुसार वहाँ पर वह कर्म भूमि की ही वह व्यवस्था होगी। तभी वहाँ पर वह सिंह दूसरे जीवों के वध करने के लिए तत्पर होगा। भोग भूमि में तो सिंह कभी हिरण को मारेगा ही नहीं, कोई जीवों का वध करेगा ही नहीं, तो वह कर्म भूमि जैसी व्यवस्था होती है। तभी जो है वहाँ पर मुनि महाराज ने उपदेश दे करके उस सिंह को व्रत आदि दिलाए थे। वंदना जैन सतना, नमोस्तु गुरुदेव। गंगा सिंधु नदी जब आर्यखंड से आधा आकार पूर्व की ओर जाती है, तो क्या मलेच्छ खंड से होकर लवण समुद्र से मिलती है क्या? अब लवण समुद्र से तो मिलती है, अब कौन से मलेच्छ खंड से होकर के जाती हैं, कहाँ से होकर के जाती हैं, ये आपको उस नक्शे से देखना है। चूँकि उनका उद्गम स्थान पर्वत है और अंतिम मिलने का स्थान समुद्र है, उसके बीच में अनेक और सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, और उनका जो पाथ दिया जाता है वह सब आपके लिए जो नक्शे में दिखा करके बताया जाता है उसी के अनुसार वह आप जानना। उसमें वह मलेच्छ खंड तो बीच में आएगा ही, क्योंकि उसके बिना तो रास्ता बनेगा नहीं, लेकिन वो मलेच्छ खंड बीच के हैं कि दो मलेच्छ खंडों के बीच का रास्ता है, वो आपको नक्शे के अनुसार समझ लेना पड़ेगा। और वह नदियाँ इसी तरह से उन स्थानों से होते हुए, उन क्षेत्रों से होते हुए लवण समुद्र में मिल जाती हैं। लता सा, USA, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जम्बू द्वीप के पर्वतों से दो के हिसाब से 12 की जगह 14 नदियाँ कैसे होती हैं, कृपया समाधान कीजिए। आपकी और स्वाध्याय टीम की बहुत बहुत अनुमोदना। 6 पर्वत हैं, और 6 पर्वत में पहले पर्वत से और अंतिम पर्वत से 3-3 निकलती हैं, है ना, और बाकी पर्वतों से 2-2 हैं, इस तरह की व्यवस्था है। तो सभी जो नदियों के नाम बताए हैं वो नदियाँ जो गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या, हरिद्धरी कांता, है ना, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूपकुला, ये जो नदियाँ हैं ये सभी 14 है, और इतनी ही संख्या इनकी शाश्वत है। बाद में जब ये अपने उद्गम स्थान से नीचे बह करके आती हैं तो अनेक सहायक नदियाँ इनके साथ में मिल जाती हैं, इस तरह से इनकी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन मूल में जो संख्या है वो आपको इसी तरह से समझना, 14 संख्या के अनुसार उसका विभाजन करना। श्री शांतिलाल शंकर राव, गंगापुर से। आगम अनुसार श्री ह्री धृति कीर्ति यह देवियाँ ब्रह्मचारिणी नहीं हैं, तो फिर उन्हें 56 कुमारियों में स्थान कैसे, उन्हें कुमारी क्यों कहते हैं? ये तो कोई तर्क नहीं होते हैं, 56 कुमारियों में स्थान सब कुमारियों के लिए ही मिलते हैं। ऐसा भी कहना उचित नहीं लगता, कुमारी होने का मतलब अविवाहित ही होती हैं, ये अगर बिठा लोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तो जितने भी भवनवासी देवों के साथ में कुमार लगता है वे भी अविवाहित हो जाएंगे। तो कुमार कुमारी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कई लोगों के लिए सोचने में आता है कि ये श्री हरि आदि देवियाँ ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं, किंतु ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख जो प्रामाणिक टीकाएँ हैं, जैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य अकलंग देव की, आचार्य विद्यानंदी महाराज की, इन टीकाओं में ऐसे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते हैं, इसलिए कुछ कहना असंभव होता है। और इन देवियों के लिए किसी भी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में वह 56 कुमारियों भी हो सकती हैं, उनके साथ तो रहती हैं, 6 कुलाचल देवों की, पर्वतों की ये देवियां होती हैं, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि वो जो देवियां आती हैं वो सभी कुमारी ही होती हैं
या माता के उस गर्भ कल्याणक के समय पर आती हैं, वो कुमारी ही होती हैं, ऐसा कोई तर्क नहीं है। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है और किसी किसी का अपना चिंतन हो सकता है, लेकिन ऐसा आगम का कोई उल्लेख नहीं है। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे